असलकुम ग्रेट सेवेन टुडे वी हैव चैप्टर नंबर टेन हीट ऑन द मूव इसमें सबसे पहले वी विल डिस्कस वॉट हीट एंड टेम्परेचर आर तो हीट जो है दैट इज़ द मयर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ठीक है हीट एक्चुअली इज़ द मूवमेंट ऑफ समझ लें कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्राम हॉट टू कोल्ड और टेम्परेचर इज़ द मैयर ऑफ़ हॉटनेस और कोल्डनेस ठीक है तो हीट जो है हीट और टेम्परेचर के बारे में हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में चलें इसमें देखते हैं दिस मैन इज़ हीटिंग स्टील हॉर्स शू अच्छा ये जो बंदा है ये स्टील हॉर्स शू जो है वो गर्म करके उनको uh, उस हिट uh, किया जाता है तो वो उसी शेप में मोल्ड जाते हैं और फिर ये हॉर्स के हूफ में फिट uh, किए जाते हैं ठीक है अच्छा यहाँ पर आ जाएँ इमेजिन योर सेल्फ सिटिंग इन अ बैट ऑफ़ वॉम वाटर विच इज़ हॉटर द हॉर्स शो और द बाथ फुल ऑफ हॉट वाटर ऐसा मुझे ये बताएं कि हॉर्स शो ज़्यादा हॉट हो होगा या एज़ कम्पेयर टू दैट बाथ फुल ऑफ वाटर इसका आंसर ये है हॉर्स शो ऑबवियसली क्योंकि उसका टमपरेचर ज़्यादा है मेटल का बना हुआ है या वो स्टील का बना हुआ है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका टेम्परेचर सिक्स फिफ्टी टू सेवन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस हो सकता है और जो जबकि आपका जो वाटर इन द बात है उसकी बात टब में जो वाटर है उसके टेम्परेचर सिर्फ फिफ्टी डिग्री सेल्सियस होगा ठीक है लेकिन इनमें हीट किस इनमें हीट किसके किस में हीट ज़्यादा है तो उसका आंसर ये होगा कि बात टब में हीट ज़्यादा है ठीक है अच्छा uh, इसका आंसर द आंसर दिस टाइम इज द हॉट वाटर इन द बटअप द रीजन फॉर द डिफरेंट आंसर इज दैट द टेम्परेचर इज अ मेयर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़ ठीक है अभी मैंने बताया एंड कैन बी रेड ऑन द थर्मोमीटर और जो टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर पर रीड किया जाता है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो द बटअप इज कूलर एंड द रेड हॉट हॉर्स शू Uh, it takes much uh, much more energy from the gas or the electricity or from a, f a fire or furnace to heat a f whole bath full of water to 50 degrees Celsius. You could also think of it another way. If you had a f bath full of cold water and you plunge a red hot horseshoe into the water, the temperature of the water would ऑनली राइज बाई डिग्री और सो बिकॉज देर इज़ सो मच ऑफ इट टू हीट अप इसमें यह बताया जा रहा है कि जो बाढ़ टब में बाढ़ टब है उसमें हीट ज़्यादा है टेम्परेचर किसका ज़्यादा है टेम्परेचर हॉर्स शू का ज़्यादा है लेकिन हीट जो है वो बार टब में ज़्यादा है इसका ये रीज़न है कि आप यहाँ से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप वही हॉर्स शू जो हॉट हॉर्स शू है हॉट रेड हॉट हॉर्स शू जो है वो उसको अगर आप पानी में डाल दें उसी बाढ़ में डाल दें तो क्या चीज़ पे ठंडी पहले हो जाएगी इसका मतलब ये है कि उस चीज़ में हीट ज़्यादा नहीं है तभी वो जल्दी ठंडी होगी है ठीक है तो हॉट शोर जल्दी ठंडा हो जाएगा जबकि उसके उसके मुकाबले में जो बाढ़ टब है उसका पानी उसके पानी का जो टेम्परेचर है वो फ्यू डिग्री सेल्सियस राइज़ करेगा ठीक है बस इसमें इतनी सी बात बताई हुई है हीट ऑन द मूव As you already know, everything is made up of particles such as atoms or molecules which are constantly on the move. When something is hot, its particles vibrate or move faster than it. When it is cold, in the above example, there are more particles in the bath of water than there are in the horseshoe because the water weighs much more than the horseshoe. The water before देयर फॉर कंटीन्स मोर एनर्जी इन इट्स मूविंग पार्टिकल्स इन द हॉर्स शू बट दर्स शू इज़ एट अ हाई टेम्परेचर बिकॉज द एवरेज एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द वाटर इसमें यह बताया जा रहा है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पार्टिकल्स हैं दे आर बिगर है ना तो इसलिए वो ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहे हैं तो दैट इज द रीजन वाई हीट इज मोर वाई बाट ऑफ कंटीन्स मोर हीट एज कंपेयर टू रेड हॉट हॉर्स शू

और एक आइस क्यूब लें और इसको हॉट ड्रिंक में डालें हॉट ड्रिंक में ठीक है चाय में या कॉफ़ी में आप डाल दें तो इससे ये होगा कि जो आइस क्यूब होगा वो उसका वो वो जो है वो उसकी उसके टेम्परेचर कम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा जबकि जो हॉट ड्रिंक है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा ठीक है और इसी तरीके से एक हॉट बॉडी है वो अपनी सराउंडिंग को इमिट करती है वो अपनी सराउंडिंग को हीट इमिट करती है और इस तरीके से उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है ठीक है और इस तरीके से एक कोल्ड बॉडी है बट उसका टेम्परेचर खुद कम है तो वो सराउंडिंग से टेम्परेचर लेती है ठीक है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है ये एक लॉ है लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ठीक है इसको ज़रूर याद रखना है आपने देर आर थ्री वेज जिनमें कंडक्शन होती है कन्वेक्शन होती है और रेडिएशन होती है ठीक है देर दीज आर द द्री वेज जिससे हीट जो है वो ट्रांसमिट होती है अच्छा मीडियम जिसमें हो उनमें कंडक्शन और कन्वेक्शन होती है और मीडियम जब ना हो तो रेडिएशन होती है ठीक है और मीडियम अगर सॉलिड है तो कंडक्शन होगी और लिक्विड और गैस है तो कन्वेक्शन होगी ठीक है और कोई मीडियम नहीं है तो रेडिएशन होगी इफ यू पुट मेटल स्पून इन अ वेरी हॉट ड्रिंक द हैंडल ऑफ द स्पून गेट्स वेरी हॉट क्विकली वट हैपन्स इज दिस वन द बाउल ऑफ द स्पून इज हीटेड द पार्टिकल्स एट द एंड ऑफ द स्पून वाइब्रेट फास्टर दिस मेक्स नियर बाय पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर एंड सो ग्रेजुअली हीट एनर्जी पास लॉन्ग हैंडल ऑफ द स्पून साइंटिस्ट से दैट द हीट इज़ ट्रेवलिंग बाई कंडक्शन Um in a similar way this heat passes quickly from a flame or hot plate through a metal saucepan to a heat the contents. Copper is an especially good conductor uh, and expensive saucepans sometimes have copper bottoms to quickly conduct heat to the food inside the saucepan. Metals are the best conductors of heat, this is because they're पार्टिकल्स आर पैक क्लोजली टूगेदर एंड सो दाइब्रेशन आर पास ऑन देर ऑन वेरी क्विकली फोर कंडर्स ऑफ हीटर कल्ड इंसुलेटेज इसमें सिर्फ टोटल ये बात बताई हुई है पहले पैराग्राफ में यह बताया हुआ है कि जो आप स्पून है फॉर एक्जाम्पल वेन यूर कुकिंग एंड वन यूर यूजिंग अ पैन फ्राई पैन सॉस पैन उसमें आप चम्मच डाल रहे हैं ठीक है यू आर पुटिंग अ स्पून दें तो जो हॉट uh, एंड है स्पून का जो हॉट सर्फेस uh, को टच कर रहा है उधर उसके पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं ओब्वियसली सॉलिड के पार्टिकल्स आप इसमें वाइब्रेट कर रहे हैं वो एनर्जी एक दूसरे को दे रहे हैं हॉट एंड से कोल्ड एंड तक एनर्जी जो है हीट इनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी ठीक है दैट इज द रीज़न वाई वी यूज़ वुडन ऐसे है, ऐसे स्पोन्स यूज़ करते हैं जिनके एंड पे वुडन हैंडल्स हों इस तरह कि हमें हॉट ना फील हो या हमारा uh, हाथ ना जले ठीक है हीट इस तरीके से हॉट एंड से कोल्ड एंड को रीच करती है और दिस इज़ दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंडक्शन जो पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स की मूवमेंट से वाइब्रेशन से एनर्जी कैरी आउट होती है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन ठीक है और इसी तरीके से ये बताया हुआ इन लोगों ने क्योंकि कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ कंडक्टर है, 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 है इसीलिए एक्सपेंसिव सॉस पैन जो है इनमें कॉपर यूज़ होता है ताकि चूल्हे से जो आग है वो जल्दी से कॉपर वो जल्दी से हीट हो जाए ठीक है और मेटल्स जो हैं वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हैं इसलिए क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या है इंसुलेटर्स अच्छा इसके आ, इसके ऊपर कुछ ऐसा चार्ट लिखा हुआ था जिसमें कंडक्टर्स बताए हुए थे अच्छे कंडक्टर्स गुड कंडक्टर्स कुछ बताए हुए थे बैड कंडक्टर्स यानी इंसुलेटर्स और इंसुलेटर्स में ही कुछ ऐसे आ जाते हैं जैसे पोलीचाइरन है आ, और फर है फैदर है ये सारी वो फॉर्म है ठीक है तो ये वो हैं जो जिनमें एयर ट्रैप हो जाती है और ये भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है यानी ये इंसुलेटर्स हैं ठीक है थीके?

ये जो खाना बनाने वाला चम्मच होता है उसमें आपने उसके देखा होगा कि एंड पे उसके वुड वुड बनी हुई होती है वुड का हैंडल होता है ताकि आपका हाथ ना जले ठीक है एयर इज़ अ पर्टिकुलरली गुड हीट इंसुलेटर सम ऑफ बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल्स सच एज़ फर एंड फेदर्स ट्रैप टाइनी पॉकेट्स ऑफ हेयर्स वी ऑन पेज नंबर फिफ्टी एट द हेयर्स ऑन द पोलर बियर हमने पढ़ा था ये बात कि पोलर बियर के जो हेयर होते हैं वो टाइनी होल होलो ट्यूब्स होती हैं जो कि एयर अपने अंदर ट्रैप कर देती हैं इस तरीके से परिंदों की जो होती हैं फर्स होते हैं या फै एनिमल्स का फर होता है परिंदों के फैदर्स होते हैं तो ये भी अपने अंदर एयर ट्रैप कर देते हैं और इस तरीके से ये पैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं यानी ये इंसुलेटर्स होते हैं और उनको वो वार्म अप करते हैं ठीक है कोयल्स एंड की जैकेट्स की पस वार्म बिकॉज दे आर मेड फ्राम सॉफ्ट पैडेड मटीरियल विच ट्रैप लॉट ऑफ एयर बिटवीन द फाइबर्स और यही रीज़न है कि कोयल्स uh, uh, या फिर स्की जैकेट्स जो हैं कोल्स uh, ये कोशनस uh, वगैरह में भी आप लोग इस किस्म का एक फर टाइप वो रखते हैं तो ये इसीलिए लेकिन इस तरीके से ऐसे फाइबर से बना हुआ था जो अपने अंदर ट्रैप करता है एयर और इस तरीके से वो आपको वार्म अप करते हैं ठीक है तो ये ऊपर सॉस पेन की एग्जांपल भी हमने पढ़ ली है और आ, हमने बर्ड्स की भी पढ़ ली है कि बर्ड, बर्ड्स के इंपॉर्टेंट है कि बर्ड्स हैं वो कोल्ड वेदर में अपने फ्लफ कर देती हैं अपने परों फर, को परों को खोल देती हैं ठीक है हैला देती हैं और इस तरीके से वो एयर ट्रैप करती हैं और अपने आप को वाम अप करती हैं वेदर समथिंग इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट अफेक्ट्स हाउ इट फील्स वेन वी टच इट इफ यू होल्ड द वुडन हैंडल ऑफ अ स्पेड एंड दैन टच द मेटल ब्लेड द मेटल फील्ज कोल्डर इवन द बोथ द हेंडल एंड द ब्लेड आर एट द सेम टेम्परेचर द रीजन फॉर द डिफरेंस इज दैट यूअर फिंगर टिप्स और वॉमर इन द मेटल एंड हीट फ्लोज इजिल फ्राम योर फिंगर टिप्स इन टू द मेटल मेकिंग दैम कोल्ड फील कोल्ड वर्ड इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हीट डज नॉट फ्लो इजिल फ्राम योर फिंगर्स इन टू द वर्ड एंड सो योर फिंगर्स टे वाम इसमें यह बताया गया है कि हमें पता है कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक ठीक है हीट जो है वो प्रोपिगेट करती है फ्राम हॉट बॉडी टू तो कोल्ड बॉडी तो अगर आप एक मेटल को टच करें और उसी तरीके एक मेटल नाइफ़ है ठीक है नाइफ़ है छुरी है और पीछे उसका वुडन हैंडल है और आगे वो मेटल ब्लेड है ठीक है आप ब्लेड को हैंडल हाथ लगाएंगे आपको ठंडा लगेगा जबकि आप वुडन को वुडन हैंडल को हाथ लगाएंगे तो आपको ठंडा नहीं लगेगा नॉर्मल लगेगा ये रीज़न ये है कि मेटल जो है ब्लेड जो है वो ऑल वो गुड कंडक्टर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है इसलिए आपके जो फिंगर्स है ना वो वार्म है एज कम्पेयर टू दैट ब्लेड तो जो आ, आपकी फिंगर्स से जो आ, हीट है ना वो ब्लेड तक जाएगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होगी और इस तरीके से आपकी जो फिंगर फिंगर्न का टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो आपको ठंडा लगेगा ठीक है जबकि वो वुडन के साथ वुडन हैंडल के साथ ये काम नहीं होगा कन्वेक्शन कन्वेक्शन वो प्रोपिगेशन ऑफ हीट है जो कि पार्टिकल्स के, के दरमियान में होती हैं लेकिन लिक्विड और गैस के यानी मीडियम पार्टिक मीडियम होना चाहिए मैटर होना चाहिए लेकिन लिक्विड और गैस सॉलिड पार्टिकल्स के लिए कंडक्शन होती है If air is heated, it expands, its uh, particles spread out and it rises. Cooler, heavier air moves it. Uh, moves into take its place. if you place your hand a little away from a hot radiator, you can feel the warm air rising. if you tie some strips of tissue paper around the end of a short stick and ho uh, hold it above the radiator, the rising air currents will make the strips of paper move. as it moves along the ceiling, the warm air cools and sinks, and the cold air moves across the flow, flow towards the hot radiator. this circulating flow of air is called convection current, and the radiator warms the room by convection. कन्वेक्शन का हमें डेफिनेशन समझ आ गई इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है इन लोगों ने इसमें इंपॉर्टेंट बात ये बताई हुई है कि हमेशा कन्वेक्शन का जब भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो हमने उसका कॉन्सेप्ट करंट से ज़रूर पढ़ना होता है अच्छा आप रेडिएटर के आगे हाथ रखेंगे ना तो आपको फील होएगा कि हॉट एयर ऊपर जा रही है आपके हाथ को टच कर रही है रेडिएटर के ऊपर आप हाथ रखें ठीक है ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके उसको टच ना करें इसी तरीके से आम, अगर आप टिशू पेपर कुछ स्ट्रिप्स काट के उसके ऊपर रखेंगे तो टिशू आपको उड़ता हुआ नजर आएगा इसका मतलब करेंट्स जो हैं वो कन्वेक्शन करंट्स जो ऊपर जा रहे हैं हॉट एयर ऊपर जा रही है हॉट एयर लाइटर होती है ठीक है लेस डेंस होती है इसलिए वो ऊपर जाती है और जो कोल्ड एयर होती है वो डेंस होती है इसलिए वो नीचे जाती है जब हॉट एयर ऊपर जाएगी रेडिएटर के ऊपर से जो रेडिएटर के ऊपर वाली हवा है वो गर्म हो गई वो लाइट हो गई वो ऊपर जा रही है उसके इर्द गिर्द जो ठंडी हवाएं वो उसकी जगह ले लेती हैं फिर वो गर्म हो जाती हैं फिर वो ऊपर चली जाती हैं और फिर उनके इर्द गिर्द जो होती है वो आ जाती है इस तरीके से ना सा, साइकिल एक कंटिन्यू होता है दिस साइकिल इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन करंट ठीक है इनको कन्वेक्शन करंट कहते हैं ये सर्कुलेटिंग फ्लो ऑफ एयर जो है ठीक है और जो मेथड है उसको कन्वेक्शन कहते हैं ठीक है कन्वेक्शन करेंट्स एंड द वेदर अच्छा लैंड ब्रीजेज और सी ब्रीजेज इसमें हम पढ़ेंगे कि लैंड ब्रीज क्या होती है और सी ब्रीज क्या होती है कन्वेक्शन करेंट्स ऑल्सो हैव अ पार्ट टू प्ले इन द वेदर एज विंड इज एयर ऑन द मूव ड्यूरिंग द डे एंड द सन वॉर्म ऑफ द लैंड मोर क्विकली देन द सी द वॉम एयर अबव द लैंड रिस इज बिकॉज इट इज लाइटर और लेस दैन कोल्ड एयर कूलर हैवियर एयर फ्राम ओवर द सी मूव इन टू टेक इट्स प्लेस दिस सेट्स अपन करेंट सो दैट ड्यूरिंग द डे कूल ब्रिजेज

ऊपर की बात यह है कि जब दिन का टाइम होता है तो जो लैंड होता है वो जल्दी आपको पता है जो वाटर जो वाटर के अंदर टेंडेंसी नहीं होती जल्दी हीट अप होने में एज कम्पेयर टू दैट लैंड जल्दी हीट अप हो जाता है लैंड के ऊपर जो लैंड के ऊपर जो हॉट एयर है यानी जो एयर है वो हीट अप हो रही है वो हॉट हो रही है वो ऊपर जा रही है वो लाइट हो रही है वो ऊपर चली जा रही है और सी से जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो आ रही हैं उन, उन गर्म हवाओं की जगह लेने के लिए जो लैंड के ऊपर से जो लैंड के ऊपर से ऊपर उड़ गई थी ठीक है अब इसलिए सी से ब्रीजेज आती हैं सुबह के वक्त ठीक है लेकिन रात में क्या होता है रात में इसका उल्टा हो जाता है रात में लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और जो समंदर होता है वो एज़ कम्पेयर टू दैट ज़्यादा गर्म होता है तो समंदर के ऊपर जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं वो लाइट वो लाइट हो जाती हैं लेस टेंस जाती हैं वो उड़ती हैं ऊपर चली जाती हैं राइज हो जाती हैं और उनकी जगह पे लैंड से ठंडी हवाएं आती हैं ठीक है तो ये लैंड ब्रिजेज़ होती हैं और लैंड ब्रीज हमेशा रात को होते हैं जो कि लैंड से ठंडी ठंडी हवाएँ सी की तरफ जाती हैं और जो सी ब्रीज अ, ये ये और जो सी ब्रीज़ होती हैं वो क्या होती हैं वो सी से आती हैं लैंड की तरफ और वो दिन के वक्त होती हैं विंड सिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड आर मेनली ड्यू टू करेंट्स ऑफ हॉट एयर राइजिंग ओवर द इक्वेटर एंड कूलर एयर फ्राम अबब द पोल्स मूविंग इन टू टेक दियर प्लेस में ये बात बताई है कि विंड के जो सिस्टम है ना कुछ विंडस का जो सिस्टम है वर्ल्ड में वो यही कर रहा है कि पूरा पोलर एरियाज जो है जो ठंडे ठंडे साउथ पोल है नॉर्थ पोल हैं वो इक्वेटर में गर्म इक्वेटर केक्वेटर के, के करीब जो जो कंट्रीज़ हैं वो गर्म गर्म कंट्रीज हैं और जो पोलर के पोल्स के करीब हैं वो ज़्यादा ठंडे ठंडे इलाके हैं ना तो पोल्स जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं वो इक्वेटर के एरियाज़ को ठंडा करती हैं ठीक है थीके? तो इस तरीके से कन्वेक्शन करंट चल रहे होते हैं यूजिंग कन्वेक्शन करंट्स इन द एयर इसको मैं पूरा पढ़ लेती हूँ फिर मैं बताऊँगी इसमें क्या है सम बर्ड्स मेक यूज़ ऑफ़ द कन्वेक्शन करंट्स वन दे फ्लाई ईगल स्टॉक्स एंड पैलेक्न्स विल यूज राइजिंग कन्वेक्शन करंट्स ई कॉल्ड थर्मल्स जो राइज जो हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही होती है उसको थर्मल्स कहते हैं ठीक है टू इनेबल देम टू सोर विद अ वेरी लिटिल एफर्ट वन दे आर माइग्रेटिंग मैनी इगल्स हॉक्स बर्जर एंड वर्चर्स यूज थर्मल्स वे सोर इन सर्च ऑफ फूड सोरिंग बर्ड्स ऑलवेज है लार्ज एंड ब्रॉड विंग्स जो सोरिंग बर्ड जो ऊंचा उड़ने वाली बर्ड्स होती हैं उनको कहते हैं उन वो कैसे कौन कौन सी हैं हैं पैराट्रूपर्स हैं हॉक्स हैं स्टॉक्स हैं ठीक है पैराट्रूपर फेलकन्स वगैरह हैं ये सारी ये जो बर्ड्स हैं जिनके ब्रॉड विंग्स होते हैं इनको करंट्स की हेल्प से थर्मल्स की हेल्प से ये हवा में रहती हैं और इनको अपने बर, आ, आ, पर, अपने आ, परों को फ्लैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती वो बार बार उनको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती वो बस एक ही एंगल पर रहती हैं और वो इधर से ग्लाइड करती हैं ठीक है उधर से वो शोर करती हैं तो ये जो है वो कन्वेक्शन करेंट्स यूज़ करती हैं हवा में और ग्लाइडर्स जो हैं ग्लाइडर पायलट्स जो होते हैं ग्लाइडर पायलट्स यूज समल टू अलाउ देम टू स्टे इन द एयर एन एरोप्लेन और अ वेंच टोर्स द गाइडर इन टू द एयर द ग्लाइडर पायलट दैन यूज इज थर्मल्प एयर क्राफ्ट इन स्टे अपन द एय अच्छा एक मोटर लगी हुई होती है इस में इस डिवाइस इस किस्म की इस व्हीकल में आप समझ लें ग्लाइडर ग्लाइड करने के लिए जो मशीन टाइप एपरेटस यूज़ किया जा रहा होता है उसमें एक मोटर लगी हुई होती है वो हवा में इसको छोड़ती है और फिर उसके बाद वो थर्मल्स की मदद से हवा में स्टे करते हैं रहते हैं रहते रहने से मरा दिए कि काफ़ी टाइम तक फॉर मनी या काफ़ी घंटों तक वो हवा में ही ठहरे रहते हैं कन्वैक्शन करेंट्स इन लिक्विड कन्वैक्शन करेंट्स लिक्विड में ये कन्वैक्शन कर इन लिक्विड एंड अदर लिक्ड एंड वाटर द वाटर इन अ पैन ओवर अ फायर गैस रिंग और हॉट प्लेट इज हीटेड थ्रू

फ्लेम है वो लगा रख दिया है ठीक है और वो जो फ्लेम है उसके नीचे लग उस बर्तन के नीचे, नीचे लगा हुआ है तो जो एरिया उसका बर्तन का जो टच हो रहा है फ्लेम से वो हीटअप हो रहा है ठीक है उधर की जो लिक्विड है वो लिक्विड में जो करेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे क्योंकि वो लाइटर हो जाएंगे वो लेस डेंस जाएंगे वो पार्टिकल्स वाटर के वो ऊपर चले जाएंगे और उनकी जगह पर ठंडे वाले पार्टिकल्स आ जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा आप इंक की मिसाल लें उसी बर्तन में अगर आप इंक डालें ना तो आपको नज़र आएगा कि इंक के ड्रॉपलेट्स किस तरीके से मिक्स होते हैं आपको सारे करंट्स वहाँ नज़र आएंगे इसकी एग्जांपल सिंपल ये है कन्वेक्शन करंट्स लिक्विड्स में भी होते हैं कहने का मतलब ये है आगे चलते हैं हीटिंग एंड कूलिंग विद कन्वेक्शन करेंट्स हीटिंग और कूलिंग कन्वेक्शन करंट से किस तरह होती है डोमेस्टिक अप्लाइंसिस uh, कुछ चलते रहते हैं इन्वर्टर्स हैं डोमेस्टिक हीटिंग सिस्टम है ये इन्वर्टर हीटर्स वगैरह ये सब किस तरह काम करते हैं डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम इज अनदर द एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स इन अ सिंपल सिस्टम वाटर दैट हैज़ बिन हीटेड एन अ बॉयलर रू अ स्टोरेज टैंक्स वाइल कोल्ड वाटर फ्रॉम अ टैंक इन द रूफ फ्लोज डाउन टू द बॉयलर टू बी हीटेड जो ठंडा पा अच्छा जो गर्म पानी है वो क्या करता है वो राइज होता है फिर स्टोरेज टैंक में चला जाता है जो जब जबकि जो ठंडा पानी होता है वो नीचे आ जाता है टैंक से रूफ़ से जो टैंक रूफ़ पे पड़ा हुआ होता है और वहाँ से वो नीचे आके बॉयलर में हीट हो जाता है हीट अप होता है ठीक है जैसे ही वो हीट अप होता है तो वो ऊपर स्टोरेज टैंक में चला जाता है ये तरीका है तो जो हॉट वाटर टैप्स और फेड और फिर उसके बाद ग्रेविटी के थ्रू वो जो नीचे जो नलके लगे होते हैं जो टैप्स लगे होते हैं उनमें से वो पानी फिर स्टोरेज टैंक से निकाला जाता है एस सेंट्रल हीटिंग सिस्टम works on a similarly a similar principle the only difference is that when a number of radiators have to be fed with hot water a pump often helps the natural convection currents to circulate the hot water सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है जो कि सेम प्रिंसिपल पे काम करता है और वो भी इसी तरीके से सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी इसी तरीके से गीज़र वगैरह सब इसी तरीके से काम करते हैं इनका ये सिर्फ ये इनमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि कुछ नंबर ऑफ रेडिएटर्स हैव टू बी फेड विद हॉट वाटर अ पम्प ऑफन अच्छा एक पम्प यूज़ किया जा रहा होता है ठीक है नेचुरल कन्वेक्शन मेथड वही है वो इसी तरीके से वो सर्कुलेट करेगा स्टोरेज टैंक में जाएगा और वहाँ से जो ठंडा वाला पानी है वो नीचे आएगा और वहाँ से वो बॉयलर में जाएगा फिर हीटअप होएगा तो वो सारा सिस्टम सेम है बस एक पम्प का इस्तेमाल किया जाता है वाटर पम्प इन अ कार इंजन आल्सो हेल्प्स द नेचुरल कन्वेक्शन करेंट सर्कुलेट वाटर मोर क्विकली और इंजन में भी आपको पता है इंजन आपको यूजुअली हीट अप हो जाता है उसको ठंडा करने के लिए भी कुछ कूलर्स यूज़ होते हैं कूलिंग कूलिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं वाटर इज हीटेड व्हेन इट पासिस थ्रू चैनल्स इन द सिलेंडर ब्लॉक द कीपिंग द इंजन कूल द हॉट वाटर इज दैन पम्प थ्रू द कार रेडिएटर वेर इट गिव्स अप इट्स हीट टू द एयर आउटसाइड और इस तरीके से अच्छा ये होता है कि वाटर जो है वो किस तरह हीट होता है चैनल से गुजरता है आपका इंजन हीटअप हुआ हुआ होता है ऑलरेडी इतना ज़्यादा मैकेनिकल वर्क हुआ हुआ होता है तो उधर से क्या होता है फिर ही वो हीट वो हीट वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो वहाँ से जाता है और फिर आ, आ, जो वो जो वाटर चैनल्स वगैरह से गुजरता है तो वो हीट अप हो जाता है ठीक है उसके बाद वो रेडिएटर की तरफ जाता है और वहाँ पे वो अपनी हीट दे देता है और वापस वही उसकी वही ट्रैवलिंग मेकनिज़म उसका चलता रहता है कि पान एक जगह से जाएगा चैनल से जाएगा हीटअप होगा और फिर जब अपनी एनर्जी रेडिएटर को दे देगा ओशन करेंट्स

ठीक है देर आर ऑल्सो कर फ्लो फ्राम दर्फेस डाउन टूअर्ड दी फ्लोर एंड डाउन अलॉन्ग दिन कुछ ऐसे भी करंट है जो कि ऐसा नहीं है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही मूव करें डेप्थ में भी मूव करते हैं ठीक है टॉप टू बॉटम भी मूव करें कुछ ऐसे करंट्स भी हैं द करेंट्स फ्लो बिकॉज सम पार्ट ऑफ द ओशनस आर कोल्डर दैन अदर्स वाइल अदर्स अदर्स कोल्ड सोल्टी वाटर इज डेंसर एंड वॉर्म फ्रेश वाटर Uh, uh, जो है वो लेस टेंस होता है तो कोल्ड सॉल्टी वाटर जो है वो सिंक हो जाता है वंस द वंस द वाटर वॉम्स अप और गेट्स डाइल्यूटेड विद लेस सॉल्टी वाटर इट विल राइज़ बैक टू द सर्फेस और जैसे ही वो uh, uh, क्या होगा वो वार्म वार्म अप हो जाएगा और वही जो ठंडा पानी है वो वार्म अप हो जाएगा और इस तरीके से वो डाइल्यूट हो जाएगा यानी सोल्ट लेस सॉल्टी हो जाएगा तो फिर वो ऊपर आ जाएगा करंट कन्वेक्शन करंट के थ्रू अच्छा रेडिएशन का क्या मेकेनिज़म है रेडिएशन तब होती है जब दरमियान में कोई मीडियम ना हो दरमियान में वैक्यूम हो जिस तरीके से सन की जो हमारे पास हीट आ रही है वो हीट हमें रेडिएशन से आ रही है सन की रेडिएशन से आ रही है क्योंकि हमारे अर्थ के दरमियान में और सन के दरमियान में कोई मीडियम नहीं है वैक्यूम है ना एयर है ना वाटर है और ना आ, कोई सॉलिड मैटर है तो इसलिए जो आ है रही है he sun, a a वो वैक्यूम के थ्रू रेडिएशन आ रही हैं द अर्थ इज़ वॉर्म बाई हीट कमिंग फ्राम द सन विच इज़ अबाउट वन फिफ्टी मिलियन किलोमीटर्स अवे द हीट कैन नॉट ट्रैवल फ्राम द सन टू द अर्थ बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दिस इज बिकॉज द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ ऑलमोस्ट अ वैक्यूम अ परफेक्टली एमटी स्पेस वही बात हो गई कंडक्शन एंड कन्वेक्शन कैन ओनली टेक प्लेस वेर देयर इज मैटर यू कैन सी द सन लाइट बट यू कैन नॉट सी दनस हीट आप सन की हीट को नहीं देख सकते लेकिन आप लाइट सन लाइट को देख पा रहे होते हैं ठीक है क्योंकि सन लाइट ऑब्वियस बात है कि सन लाइट इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव है तो सन लाइट जो है लाइट जो है वो इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव हो मतलब इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन होती हैं तो उनको मीडियम की प्रोपिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो आपको नज़र आती हैं ठीक है जबकि हीट जो है वो रेडिएशन्स हो रही हैं तो वो आप हीट नहीं देख सकते अच्छा इनका है आगे किधर लिखा हुआ है But you cannot see sun's he heat. Even though you can feel it on your skin. The sun's um, heat energy that travels through empty spaces is called radiant heat or infrared radiation. So if say the sun's heat can called radiant energy or infrared radiation. एन एकप्स एक्लिप्स क्या होता है eclipse वो होता है जब आप सन और अर्थ के दरम्या में मून आ जाता है ठीक है वेन मून पास इज़ डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेन दैट हैपन्स द हीट एंड लाइट ऑफ द सन आर कट ऑफ एट द सेम मोमेंट वो फिर लाइट नहीं आ रही होती ना हीट आ रही होती है सन की तरफ से दिस चोज अज दैट हीट एंड लाइट ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड और इस ये हमें बताते हैं कि हीट और लाइट जो है वो एट द सेम टाइम एट द सेम एट द सेम स्पीड पर ट्रेवल कर रही हैं दोनों तो ऑलमोस्ट दोनों एक ही चीज़ें रेडियो वेव्स बिज कैरी और टेलीजन प्रोग्रामीड एंड दे वैक्यूम और रेडियो वेवस जो हैं जो कि हमारे टेलीविजन प्रोग्राम वगैरह ब्रॉडकास्टिंग वगैरह हो रही है तो वो भी एट दिस एट दिस स्पीड ही चलते हैं लाइट की स्पीड पर हीट की स्पीड पर तो ऑबियस बातें गई वो भी एक ही चीज़ चीज़ें हैं इनको इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन कहते हैं एंड दे डिफर ओनली इन द रेड एट विच देर वेवस पास पाए और इनके दरम्या में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि इनकी वेवलेंथ क्या है इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है और इनकी एनर्जी क्या है तो बस इनकी ये इनके दरमियान में ये डिफरेंस होता है बाकी ये सब एक ही हीट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टाइप्स हैं रिफ्लेक्टिंग और एब्जॉर्बिंग रेडिएशन अच्छा जब भी आप रेडिएशन की बात करते हैं तो आप रेडिएशन रेडिएटिंग बॉडी एब्जॉर्बिंग बॉडी और रिफ्लेक्टिंग बॉडी के बारे में पढ़ते हैं जस्ट एज लाइट कैन लाइट कैन भी रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब बाई ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल सो टू कैन रेडियंट हीट वाइट और शाइनी मेटल सर्विसिज आर बेस्ट एट रिफ्लेक्टिंग हीट विच मीन्स दे आर पुअर एट इट। इन हॉट सनी कंट्रीज बिल्डिंग्स आर ऑफन पेंटेड वाइट सो दैट दे एबजॉर्ब एज लिटल ऑफ द सन रेडिएशन इज पॉसिबल कैटल्स और सॉसपेन भी सिल्वर और वाइट बनाए जाते हैं ताकि उधर से हीट रिफ्लेक्ट हो जाए इसी तरीके से जो हॉट और सनी डे पे आप लोग कम हल्के कपड़े हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि वो आपकी जो हीट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए एबजॉर्ब ना हो ठीक है डल ब्लैक सर्विसज़ ये एब्जॉर्बिंग बॉडीज़ होती हैं दे आर ऑल्सो बेस्ट एट गिविंग ऑफ रेडिएशन इन हॉट सनी वेदर द इनसाइड ऑफ द ब्लैक कलर कार आपको पता है एक ही मॉडल की कार है एक ही मॉडल की कार है एक ब्लैक है एक वाइट है तो जो ब्लैक वाली है वो ज़्यादा गर्म होगी क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो एब्ज़ॉर्ब करता है इमिटिंग रेडिएशन्स और हॉट ऑब्जेक्ट गिव्स आउट और इमेट्स हीट एनर्जी एज रेडिएशन इफ़ यू पुट योर हैंड नियर समथिंग हॉट विदाउट टचिंग इट यू कैन फील द हीट ऑन योर स्किन एवरीथिंग गिव्स आउट सम हीट एनर्जी अच्छा हर चीज जो है वो हीट दे रही है तो और हॉट ऑब्जेक्ट गिवज आपको पता हॉट ऑब्जेक्ट वो हमेशा रेडिएट करता है एनर्जी ठीक है हमेशा निकालता है इमेट करता है आप हैंड सामने रखेंगे आप उसे टच ना भी कर रहे हो तो आपको फील होएगी गर्मी एवरीथिंग इज ऑफ सम हीट एनर्जी हर चीज़ हीट एनर्जी दे रही है आपकी बॉडी भी हीट इमेट कर रही है द हॉटर एन ऑब्जेक्ट इज़ द मोर हीट एनर्जी इट रेडिएट्स ठीक है Infrared waves are produced by the vibrating particles of whatever is uh, giving out the heat. The higher the temperature of the object, the more rapidly its particles vibrate, and the greater the frequency of the waves. Rapidly okay. vibrate, vibrations. When the heating uh, elements of an electric cooker is switched on, it

लेकिन जैसे जैसे आप उसे जैसे जैसे वो गर्म होता रहेगा तो उसके बाद वो जब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगी तो फिर वो रेड कलर का फ्लेम देगा रेड ग्लो देगा ठीक है और फिर उससे भी ज़्यादा हो जाएगी तो इट इज़ इट इज़ पॉसिबल कि वो वाइट लाइट भी दे ठीक है जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो तब वैसे वैसे रेड से वाइट होती रहेगी ठीक है नीचे कलर क, कलर स्क्रीन में नीचे जाता रहेगा ब्लू होती रहेगी फ्लेम ये वो ठीक है रेडिएशन एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट सिंपल बात ये पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ सम इन्फेट रेडिएशन फ्राम द सन कैन पास थ्रू ग्लास बिकॉज द सन इज वेरी हॉट एंड इट एटीमेट्स हाई एनर्जी रेडिएशन दिस इज हाउ इन्फेट रेडिएशन पास थ्रू द ग्लास ऑफ अ ग्रीन हाउस द प्लांट्स इन सॉयल इनसाइड द ग्रीन हाउस आर नॉट सो हॉट आर नॉट सो हॉट द रेडिएट इनड रेज ऑफ लोअर एनर्जी दे कैन नॉट पास थ्रू ग्लास इन एनर्जी इज ट्रैपड इन द ग्रीन हाउस अच्छा सन से कुछ रेडिएशन आ रही हैं इन्फेरिड रेडिएशन आ रही हैं वो इन ये जो शीशों के अंदर जो प्लांट्स रखे जाते हैं ना शीशे से अंदर आती है उस ग्लास से अंदर आती है और वो ट्रैप वगैरह रह जाती है वो वापस नहीं जाती वापस नहीं जा पाती वो ग्लास से बाहर नहीं निकलती सिर्फ अंदर आ सकती है और इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो भी कुछ लो एनर्जी की रेडिएशंस दे रहे हैं जिनको इंफ्रे रेडिएशंस ही कह रहे हैं यहाँ पे भी हाँ तो वो भी ये लो इन एन, लोअर एनर्जी की दे रहे हैं जो कि ग्लास से बाहर नहीं निकलती इसका मतलब यह कि हीट हीट एनर्जी जो है वो ग्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा है जो ट्रैप हो गई है और ये जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प कर रही है ठीक है अब अर्थ के ऊपर जो गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है ओजोन है फॉसिल से जो आ रही हैं सल्फर डाइऑक्साइड ये सारी चीज़ें ये वाली जो गैसेस हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह ये वाली जो गैसेस हैं ना ये एक किस्म की लेयर बना रही हैं जिससे एनर्जी बाहर नहीं जाती जिससे हीट ट्रैप हो जाती है अर्थ में और अर्थ जो है वो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है वरना अगर ये ना होता ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता अर्थ पे भी अर्थ भी ग्रीन हाउस की तरह काम कर रही होती है और अगर अर्थ पे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना होता तो इसका मतलब ये है कि अर्थ इतनी ठंडी होती इतनी भर जगह पे बर्फ़ होती जिन जिन लाक, जो इलाके गर्म है उधर भी बर्फ होती और वहाँ पे और कोई इंसान इस अर्थ पे ना रह सकता ठीक है तो इन अ सिमिलर वे द अर्थ एटमासफियर इट्स लाइक अ ग्लास इन अ ग्रीन हाउस ट्रैपिंग एनर्जी फ्राम द सन विद दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ वुड बी टू कोल्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट बट पोल्यूटिंग एसिड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल एंड फॉर एक्जाम्पल पावर स्टेशन फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स कैन इंक्रीज द इफेक्ट वही बात है दिस एक्स्ट्रा वार्मिंग इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग और लेकिन ये जो कार्बन डाई वग़ैरह है ना इन्हें रिसेंटली इतनी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया कि इसको इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं कह रहे इसको ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं कि ये नुकसान दे हो रहा है पहले ये फ़ायदा दे रहा था अब ये नुकसान दे रहा है जहाँ पर फ्लड्स हैं वहाँ ड्रॉट होता है सी लेवल इंक्रीज़ कर जाता है जहाँ ड्रॉट होता है वहाँ फ्लड कर जाता है फ्लड हो जाता है इसी तरीके से आपकी वर्ल्ड का टेम्परेचर इनक्रीज़ हो रहा है ये सारी जो मसाइल हैं ये it is altering the distribution of wind and moisture around the world and cause extreme weather conditions and problems for plants and animals including humans animals, plants or humans are facing very adverse conditions fires, irons and thermal imaging cameras like the heating element of an electric cooking range, an electric fire also gets hot enough to glow red incidentally you may have noticed that the reflector behind the heating element of the fire is made of shiny curved uh, metal so that it reflects the heat into the room and electric iron use use for ironing clothes is not hot enough to radiate visible light but it does uh, still give off infrared rays acha is tarah ye bata rahe hain कि thermal irons जो इस तरी होती है fires हैं और इस तरीके थर्मल emitting cameras हैं इनमें कुछ areas जैसे होते हैं reflectors हो गए cameras में reflectors हो गए इस तरीके से तो जो silver color की coating कराई जाती है उनके ऊपर ताकि वो reflect करें heat ताकि वो हीट अप हो बस इसमें यही बात है और एन इलेक्ट्रिक आयरन यूज फॉर आयरनिंग क्लोथ्स इज़ नॉट हॉट एंडफ़ टू रेडिएट विजिबल लाइट बट स्टिल गिव अप इतनी ज़्यादा हॉट नहीं होती लेकिन वो रेडियनफ्रा इन्फ्रारेड रेडिएशन जो है वो इमेट करती है जिसकी वजह से कपड़े से ही होते हैं द वैक्यूम फ्लास्क वैक्यूम फ्लास्क थर्मोस फ्लास्क एक ही बात है थर्मोस भी कहते हैं इसको ये एडिबैटिक कंडीशन दिखाती है एडियोबैटिक किसको कहते, है। कहते हैं एडियोबैटिक उसको कहते हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज ज़ीरो हो ठीक है ना टेम्परेचर ना हीट इमिट हो ना हीट एब्जॉर्ब हो यानी ना हीट बाहर जाए ना हीट अंदर आए ना ठंडी चीज़ गर्म हो ना गर्म चीज़ ठंडी हो जैसा गर्म चीज़ गर्म ही रहे ठंडी चीज़ ठंडी रहे ठीक है इस थर्मास जो है वो एडिबैटिक कंडीशन दिखाता है और द वैक्यूम फ्लास और थर्मोस व इन्वेंटेड अ स्कॉटिश साइंटिस्ट जेम्स दिवार 1842 से 1923 तक है इट कीप्स हॉट ड्रिंक्स हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड बाय स्टॉपिंग द मूवमेंट ऑफ़ हीट हीट की मूवमेंट स्टॉप करता है कंसिस्ट ऑफ ग्लास बॉटल विद डबल वॉल्स देर आर अच्छा किस तरीके से द देर आर देर इज़ अ वैक्यूम बिटवीन द गस वाल विच ऑफ हीट रेडिएशन ऑफ हीट इज़ प्रिवेंटेड बिकॉज द द वॉल्स ऑफ ग्लास हैव अ सिल्वर कोटिंग द स्टॉपर इज मेड ऑफ अ गुड इंसुलेटिंग सच सचेज कॉर्क और हॉलो प्लास्टिक मॉडर्न वैक्यूम फ्लास्क जो है वो ग्लास यूज कर रहे हैं ग्लास की जगह पे बल्कि क्या यूज करें डबल साइज मेटल बॉटल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेटल स्ट्रॉन्ग होता है अच्छा इसमें ये तरीका है ना कि जो वैक्यूम फ्लास्क है ना उसके दरियान में एक ऐसी दरमियान में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है वैक्यूम फ्लास्क बोल रहे हैं इसको हम थर्मोस बोल रहे हैं तो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है अब जब वैक्यूम हो गया तो इसका मतलब ना कंडक्शन होगी ना कन्वेक्शन होगी रेडिएशन के लिए क्या करेंगे रेडिएशन के लिए जो इनर बॉटल है उसकी वॉल्स को सिल्वर प्लेट कर देते हैं ठीक है जैसी सिल्वर प्लेट होती है ना तो सिल्वर सरफेस हमेशा रिफ्लेक्ट करता है ना वो रेडिएट करता है ना वो एब्जॉर्ब करता है तो रेडिएशन नहीं होंगी ना रेडिएशन होगी ना कन्वेक्शन होगी ना कंडक्शन होगी यानी ऑल थ्री वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है वो ख़त्म हो गए इसलिए जो हीट है वो वैसे ही रहेगी जो हीट चेंज है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट जो है वो ज़ीरो रहेगा ठीक है थर्मोग्राफ्स क्या होता है थर्मल इमेजिंग कैमराज यूज स्पेशल फेम्स टू टेक फोटोज फोटोग्रा फोटोग्राफ्स विद इन फेर ड्रेस दीज फोटोग्राफ्स आर कॉल्ड थर्मोग्राफ्स इन थर्मोग्राफ्स डिफरेंट कलर शो विच पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर वॉर्म एन विच आई कोल ये मेडिसिन में यूज़ होता है इस तरह ना कि एक पिक्चर ली जाती है और फॉर एग्जाम्पल कोई गर्म बॉडी है तो वो रेड कलर की अपेयर होगी कोई कोल्ड बॉडी है तो वो ब्लू कलर की अपेयर होगी इस तरीके से मेडिसिन में ना जो आपका डिजीज टिश्यू होता है वो हमेशा गर्म होता है तो वो आपको रेड नज़र आएगा बाकी सारी चीज़ें ठंडी नज़र आएंगी। इस तरीके से आपकी हाउस हाउस कूलिंग, हाउस हीटिंग सिस्टम में नज़र आता है कि ये ये हमें दिखाता है थर्मोग्राफ्स हमें दिखाते हैं कि कहाँ से हीट रिलीज़ हो रही है कहाँ से हीट वेस्ट हो रही है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ आ, इसी तरीके से यहाँ पर एक और तो एक आंसर दिया हुआ होगा कैंसरस ठीक है गैसर्स को डिटेक्ट करने में बॉडी में इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज़ जो हैं वो थर्मल इमेजिंग कैमराज यूज़ करती हैं ताकि ओवर वा ओवर हीटिंग हो रही है और करंट ज़्यादा गुजर रहा है ठीक है को करंट जहाँ से ज़्यादा गुजरता है वहाँ पर हीटअप हो जाती है वायर तो ओवर हीटिंग वायर की ओवर हीटिंग भी देख सकते हैं कि कौन सी वायर ज़्यादा ओवर हीट हो रही है इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह लिखी हुई हैं फायर फाइटर्स यूज़ थर्मल इमेजिंग टू सी एसा लोगों को देखने के लिए वहाँ से देख ये चीज़ देखने के लिए फायर फाइटर्स यूज़ करते हैं कि लोग कहाँ पे उन्हें निकाला जाए या फिर फायर कहाँ से स्टार्ट हुई है ठीक है कहाँ कहाँ पे फायर है वो ये सारी चीज़ें थर्मल इमेजिंग कैमरास ये यूज़ करते हैं थर्मोग्राफ्स वगैरह यूज़ करते हैं ठीक है सेविंग हीट इन कोल्ड क्लाइमेट अ ग्रेट डील ऑफ हीट कैन स्केप फ्राम एक्सपेंसिवेस्ट ऑफ फ्यूल एज वेल एज बींग हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट ओवर वन थर्ड ऑफ हीट इज लॉस ट्रू दॉल्स क्वार्टर इज लॉस ट्रो द रूफ ये बता रहे हैं कितनी कितनी आपके घर में से रूफ से जो है वो वॉल्स से वन थर्ड हीट लॉस हो जाती है क्वार्टर जो है वो रूफ से इमेट हो जाती है इसी तरीके से वहाँ से वेस्ट हो जाती है और बाकी जो है वो डोर्स विंडोज़ फ्लोर्स आप खोल के रखते हैं तो वहाँ से गर्मी जो है वो चली जाती है और ठंडे हो जा घर कमरा ठंडा हो जाता है इस तरह टू प्रिवेंट दिस हीट लॉसिस बिल्डिंग नीड्स टू बी वेल इंसुलेटेड इस तरीके से वेल इंसुलेट अब जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं उनको इंसुलेट किया जा रहा है ठीक है इनसे वेल इंसुलेटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट हुए हैं इसमें यह होता है कि गर्मियों में कमरा ठंडा और ठंड में कमरा गर्म रहता है ठीक है वो हीट जो वेस्ट ही जो हीट है वो वेस्ट नहीं हो रही होती ठीक है बिकॉज द इंसुलेशन रिड्यूस अमाउंट ऑफ हीट कमिंग इन फ्राम दी आउटसाइड इस तरीके से हीट बाहर से आ रही है वो ठंडा रहेगा कमरा और ये भी हो सकता है कि ठंड में कमरा गर्म रहेगी और अंदर की जो हीट है वो कहाँ कहीं बाहर नहीं जाएगी वेस्ट नहीं होगी ठीक है इसका तरीका ये है कि यहाँ पर तरीके बताए हुए आप कर्टन्स का इस्तेमाल करें आप जो ये जो वॉल केविटी ये है उनके दरमियान में फोम वगैरह यूज यूज का यूज़ करें ऐसी फ़र्ज़ वगैरह का यूज़ करें ऐसी एरिया ऐसी चीज़ या एयर का यूज़ करें एयर ख़ुद एक बैड कंडक्टर इंसुलेटर है तो उससे ये होगा कि वो हीट जो है बाहर नहीं जाएगी इस तरीके से तो फाइबर ग्लास इंसुलेशन रूफ़ में यूज़ किया जाता है ठीक है वहाँ से हीट क्लोज कर्टिन यूज़ किए जाते हैं और शेड यूज़ की जाती हैं विंडोज़ के ऊपर वहाँ से हीट नहीं वेस्ट होती ट्र, ट्री प्लांट किए जाते हैं ताकि वो वॉल्स विंडोज़ को शेड कर सकें और रूफ़ एंड वॉल पेंटेड वाइट और इस तरीके से रूफ़ और वॉल को वाइट पेंट किया जाता है ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर दें एब्जॉर्ब ना करें थैंक यू um, बस यही था और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे बाकी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन आंसर्स आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे इफ़ यू हैव एनी एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क थैंक यू गुड अल्लाह हाफिज़